बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। किसकी? ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड की। पिछले वाले लेक्चर में हमें जो स्ट्रक्चरल फीचर्स थे वो पढ़ लिए थे, और जो प्रिपरेशन है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड की वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अगर आप इनकी स्टेट के बारे में बात करें, भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो जो ऑर्गेनोसल्फर के जो लोअर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, वो तो किस नेचर की होती हैं? गैसियस नेचर की होती हैं। अगर आप हायर मेंबर की तरफ जाते हैं तो वो किस नेचर में हो जाते हैं? लिक्विड में हो जाते हैं कन्वर्ट। अगर आप इनकी स्मेल की बात करते हैं तो स्मेल जैसे कि अनियन है, गार्लिक है, ठीक है, इनकी ऐसी स्मेल है, इनमें थायोल्स ही होते हैं, तभी अनियन की और गार्लिक की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो थायोल्स की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो इसी वजह से बच्चों इनका फ़ायदा उठाते हैं हम। किस तरीके से उठाते हैं? जैसे कि जितनी ये सारी गैसेज हैं, जैसे LPG, जितनी भी गैसेज हैं, उनमें जो थायोल्स हैं वो डाल दिए जाते हैं। उनको डालने के बाद क्या होगा, अगर कभी भी लीकेज हो जाती है तो हमें स्मेल आ जाती है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो दूर तक आ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई जो गैसेज हैं वो लीकेज हो चुकी हैं। तो इसी वजह से हम जो थायोल्स हैं उनकी स्मेल का हम फ़ायदा उठाते हैं। अब जैसे जो अनियन है, उसमें कौन से कंपाउंड की वजह से ऐसी स्मेल है? तो अनियन में कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों? प्रोपेन 1-थायोल होता है। LPG में क्या डाला जाता है? इथेन थायोल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? इथेन थायोल। तो ये एक दो नाम आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें कौन सा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ऐसी स्मेल है, पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये थायोल्स की वजह से ही ऐसी क्या होती है? स्मेल होती है। ठीक है ना? अब देखना, अब अगर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो केमिकल में हमने एसिडिक और बेस, जो एसिडिक नेचर है वो हमने पढ़ लिया था कि एसिडिक नेचर क्या है। और आप इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, क्या ये पानी में सॉल्युबल होंगे? कई मेंबर ऐसे हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, पर बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे हैं कि जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों बच्चों? पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं सकता, जिसकी वजह से ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों हम इनकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखते जाना, ठीक है, बहुत आसान है, कोई भी एक रिएक्शन भी मुश्किल नहीं है, सारी बहुत आसान है। देखो, अब हमें क्या करना है, ये अपने पास क्या है? थायोल है, और हमें इसकी किसके साथ रिएक्शन करानी है? सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है। अब यहाँ पे तब भी कोई एसिड सोडियम या किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या रिलीज कर देता है? साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे? C2H5, और यहाँ पे सल्फर रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? Na आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं थी। हाँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक होता है, पिछले वाले लेक्चर में हमने रिएक्शन की थी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, अब जो मरकैप्टन, इसका जो नाम है वो इसी वजह से फेमस है क्योंकि ये जो मरकरी है इसके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब हायर जो मेटल्स हैं, हायर जो हैवी मेटल्स हैं उनके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है। अब कैसी होती है वो ध्यान से देखो। अभी आपके पास क्या है? मरकरी। देखो अभी यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 2 में है। कौन सी में है? 2 में है। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। एक बार ये है C2H5, यहाँ है SH, एक और लिख लीजिए C2H5, और ये है SH, और आपके पास क्या है? ये मैं ऐसे लिख देती हूँ OHG। ठीक है, बात तो वही है, कोई अलग बात नहीं है। यहाँ से अब क्या निकालना है आपको पता लग गया होगा, ये क्या निकाल दिया, यहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया है। अब दो C2H5S ये मिलके किसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं? HG के साथ कर रहे हैं, तो अपना जो कंपाउंड बना है अपने पास वो क्या बन गया? C2H5। इसका ट्वाइस ये लिख दें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? HG। सेम आपको लेड के साथ करनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे PbO होगा, तो आप ये ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे HG 2 वैलेंसी में, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो आपके ये, आपको कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तभी आप ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये किसके साथ है? आपको इस, ये मैंने ऐसे लिख के दी हुई हैं, अदरवाइज़ आपको जो पेपर में मिलेंगी तो आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिखेगा कि देखो भाई NaBr निकल रहा है और ये सीधा आप इसको जोड़ दो तो ये आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं रखना। वैसे रिएक्शन बहुत आसान है कि यहाँ पे NaBr बाहर निकल जाएगा, इसको आपस में जोड़ दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये C2H5, और यहाँ है सल्फर, और ये क्या आ गया बच्चों? C2H5। अगर मैं यहाँ O लगा दूँ तो आपको ये पता ना ईथर है, तो ये क्या होते हैं? ये अगर यहाँ सल्फर हो जाता है तो इनको बोलते हैं हम थायो ईथर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? थायो ईथर्स। ठीक है, ये अब इसका नाम रखो तो क्या रखोगे? ये क्या है? इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो क्या नाम रखोगे? डाई इथाइल थायो ईथर। ठीक है ना? अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, हमें इसकी रिएक्शन करनी है एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। पहले एक बार एल्डिहाइड के साथ करके देखते हैं। एल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये CH3 है, और ये है, इधर ही लिख देते हैं H, और ये है O।
आपको इसकी किसके साथ रिएक्शन करनी है, थायोल के साथ करनी है। थायोल को एक बार लिखिए, ये है S और इधर H लिख रहे हैं और ये C2H5 लिख दिया इतना। अब यहाँ आपको पता लग रहा होगी एक मॉलिक्यूल से तो काम चलने नहीं वाला, क्योंकि हम फिर से क्या निकालने वाले हैं, पानी निकालने वाले हैं। तो एक मॉलिक्यूल और लीजिए, ये है SH और यहाँ है C2H5 और यहाँ से क्या निकाल दोगे, ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आ गया अपने पास और ये दो हाइड्रोजन आ गए, तो ये क्या निकल गया अपने पास, पानी निकल गया। और अब किसको जोड़ दोगे आप बस में, यहाँ नीचे देखो, यहाँ क्या जोड़ दोगे, ये कार्बन तो था ही, इधर ये मिथाइल ग्रुप है और इधर ये हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या लगा दोगे, ये सल्फ़र C2H5 और यहाँ भी क्या लगा दोगे, सल्फ़र C2H5। ठीक है, अब ये आपने कहाँ देखा था, मुझे ध्यान से एक बार याद करके बताओ ये कहाँ देखा था। अगर यहाँ पे बच्चों अल्कोहल होता, क्या होता, अल्कोहल होता, तो आप यहाँ क्या बनाते, एसीटल बनाते, क्या बनाते, एसीटल बनाते। अब ये क्या है, थायो एसीटल है, क्या है, थायो एसीटल है। और अगर यहाँ पे कीटोन, अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर यहाँ कीटोन होता तो ये क्या बन जाता, कीटल बन जाता। अभी ये क्या बनेगा, थायो कीटल, क्योंकि सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं है ना, तो थायो कीटल बनेगा। तो डिफरेंस क्या रहेगा, सेम आपको ऊपर वाली रिएक्शन करनी है एग्जैक्टली, बस यहाँ कीटोन में क्या डिफरेंस आ जाता है भाई, यहाँ क्या हो जाता है, ये CH3 होता है ना, बस इतना ही है। यहाँ ज़रूरी नहीं है CH3 हो, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, बस रिएक्शन यही होगी, आपको पानी निकालना है यहाँ पे। और ये क्या बनता है, थायो एसीटल बनता है, और ये क्या बनता है, थायो कीटल बनता है। ठीक है, बात समझ गए, कोई मुश्किल बात, कोई मुश्किल बात नहीं है, तो ऐसे आपको ये रिएक्शन करनी थी। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके किसके साथ करा रखी है, इथेन थायोल के साथ रिएक्शन करा रखी है। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, फिर से आप ये देखो, इसका OH और इसका H, ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा पानी, और इसको आपस में जोड़ दो, थायो एस्टर बन जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप क्या करते, अगर आप कार्बोक्सिलिक की और अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है ना, और अब की बार हम क्या कर रहे हैं, थायोल्स की कर रहे हैं और कार्बोक्सिलिक कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, थायो एस्टर बन जाएगा। तो इसको इसके साथ जोड़ देना, पानी बाहर निकाल देना, ये सल्फर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक के ही डेरिवेटिव है, ये क्या, एसिड क्लोराइड होता है। अब की बार यहाँ क्या निकाल देना है, HCl बाहर निकाल दो, और HCl बाहर निकालने के बाद इस कार्बन के साथ इस सल्फर का बॉन्ड बना देना। अब ये भी क्या बना है बच्चों, ये क्या बना है बताओ मुझे, ये बना है थायो एस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, ये जो H2O2 है ये किसके काम आता है, ऑक्सीडेशन के काम आता है। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, अब ये ऑक्सीडेशन करेगा ऐसे, ये बन जाएगा C2H5, यहाँ पे S, और ये आपका यहाँ पे सल्फर, और ये C2H5। ठीक है, अब ये जो बना है बच्चों, इसका नाम बताओ, ये क्या है, डाई इथाइल, दो इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल डाई सल्फाइड, दो सल्फर, सल्फर सल्फर ने बॉन्ड बनाया है आपस। जो भी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, माइल्ड होते हैं, स्ट्रोंग नहीं होते जो, वो यही कंपाउंड आपको देंगे ऑक्सीडेशन किसका करके, थायोल्स का ऑक्सीडेशन करके। पर अगर आप किसके साथ, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अगर उनके साथ थायोल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। मतलब कि ये C2H5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5SO3H सल्फोनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। अगर आप वीक ले रहे हैं तो ये, जैसे कि आप आयोडीन के साथ कर रहे हैं, या आप फिर सिंपल एयर में जो नेसेंट ऑक्सीजन है आप वहाँ कर रहे हैं, या आप जैसे अगर स्ट्रॉन्ग है कि MnO4 है, K2Cr2O7 है, अगर यहाँ करेंगे तो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वैसे तो आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ ये जो निकल है ना, यहाँ पे हम निकल रहते हैं रिडक्शन के लिए, ठीक है, रिडक्शन के जो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है वहाँ पे निकल, यहाँ पे हम लेंगे बच्चों रेने निकल, क्या है, रेने निकल। रेने निकल क्या होता है, वैसे तो कैटलिस्ट है, तब रेने निकल मतलब निकल को एल्यूमिनियम में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में तब डिप कर दिया जाता है, तो एक एलोय बन के आता है स्पेसिफिक, जो कि बहुत स्पंजी टाइप सा होता है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है, बहुत सारे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी बोलते हैं रेने निकल बोलते हैं। किस काम आता है, यहाँ से सल्फर को रिमूव करने के लिए काम आता है रेने निकल, डी सल्फराइजेशन हम उसको बोलते हैं, यहाँ से सल्फर को रिमूव कर देगा और यहाँ एल्केन बन जाएगा CH4। ठीक है, सल्फर रिमूव हो जाएगा।